और वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ए क्वालिफाई का आखिरी पार्ट एक्सप्लेनेशन होगा, इसको खत्म करने के बाद में आप लोगों को और रिप्लेसमेंट ड्राइव को भी मैं खत्म करने वाली हूँ और फाइल वन को भी, इसलिए मैंने इसको जल्दी खत्म किया हुआ है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, आपको याद होगा कि के ऊपर सुरबुन अटैक कर लेता है लेकिन लकीली वहां पर से एक आके उसे बचा लेता है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ठीक तो बच गया लेकिन अभी पसी का और ठीक है मॉम की जान को खतरा है, और होता भी वही है। टी और टी की मॉम और पसीका दोनों को किडनैप कर लेता है सुकमुन, और उसके बाद दोनों को मारने की ट्राई करता है। जो टी की मॉम थी वो तो बोल रही थी कि इसको मारो, मुझे नहीं, मुझे जाने दो, ऐसा ही बोल के वो काफी ज्यादा डर ही रही होती है। लेकिन पसीका बोलती है कि ठीक है मुझे मान है, मारो कोई बात है लेकिन इनको जाने दो। ये सुनने के बाद टी की मॉम शौक में थी, और उसके बाद सुकमुन बोलता है कि कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं हो तुम, ये बंदी पूरी लाइफ तुम्हें ऐसे गालियां देती रही, तुम्हें बुरी बुरी चीजें बोलती रही और तुम इसे ही बचा रही हो अपनी जान को खतरे में डालकर। तभी पसीका बोलते कि हाँ, क्योंकि ये उस बंदे की माँ है जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर इसको कुछ भी हो गया ना तो वो बंदा सबसे ज्यादा सैड रहेगा और मैं ऐसा नहीं दे सकती, इससे बेटर है ना कि तुम मुझे मार डालो और उसे मैं एटलीस्ट मैं टी को खुश देख पाऊंगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इन दोनों को शूट करने वाला था पसीका, टी की माँ को ऐसे गले लगा के बैठी हुई थी ताकि वो शूट करे तो पसीका की बड़ी गोली लगे। लेकिन नकेली वहां पर से काके सिचुएशन को संभाल लेता है और सुगुन एक बार फिर से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है जब टी को इसके बारे में पता चलता है तो काफी ज्यादा घबराया गया था, और पसीका को सही सलामत देख के वो काफी ज्यादा सुकून की सांस ले रहा था और वो उसे गले लगा के बोला था कि तुमने मेरी मॉम को बचा के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। में दिखाया जाता है टी की मॉम काफी ज्यादा अपसेट हो रही होती है जो कि आंटी उनके साथ थी। तो असल में क्या था ना, टी की मॉम को धीरे धीरे करके ये रियलाइज होने लगा था कि उनका बेटा पसीका से बहुत प्यार करता है, और ये चीज अभी भी वो इतना ज्यादा एक्सेप्ट तो नहीं कर पा रही थी, भले ही वो अभी पसीका के जान के उसे पढ़ना बंद कर चुकी हो। और हमें ये दिखाया जाता है कि उन्हें ऐसा लग रहा था वो टी को खो चुकी है, जिस तरह से उन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया था एक वक्त पे, और वो अपने लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार तो टी से ही करती है, और इसीलिए वो काफी अपसेट थी और वो बोल रही होती है कि अब मैं सच्ची में अपने बेटे को खोने वाली हूँ, मुझे पसीका के सामने हार मानना पड़ेगा, ऐसा बोल के रो रही थी। तभी उसकी दोस्त यानी जो कि आंटी बोलती है कि ऐसी कभी भी बात नहीं है, पसीका उससे प्यार करती है, उससे प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों तुम्हें भूल जाएंगे, ठीक है, अभी भी तुम उतने इंपॉर्टेंट हो, बस उसे थोड़ा सा आजादी दो, ऐसा बोल के उसे समझाने की ट्राई कर रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है टी आता है, और उसके बाद टी अपनी मम को सॉरी बोलता है और वो बोलता है कि प्लीज आप मुझसे नाराज मत हो, क्योंकि टी के लिए भी तो अपनी मॉम बहुत मायने रखती थी। तो वो उसे बोलते हैं कि मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं हूँ, और कुछ भी बोलो। फाइनली माँ बेटे एक दूसरे को माफ कर देते हैं कुछ चीजें जो गलतियां इन लोगों ने किया हुआ था, और फाइनली ये दोनों सुलह कर लेते हैं। लेकिन लाइफ में सब कुछ सही हो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आती है पसीका की मॉम पसीका को वापस घर ले आने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं चाहती थी कि पसीका रहे, ठीक समझाने की ट्राई कर रहा था। लेकिन वो बोलती है कि इस आइलैंड पे सारे लोग मेरे बेटे की जान के पीछे पड़े हो, मैं यहाँ पर तो अपने बेटे को नहीं रखने वाली, बोल के वो कल ही पसीका को यहाँ से ले जाने वाली थी। ठीक काफी परेशान था, और उसके बाद में दिखाया जाता है ठीक की मम्मी रोकने की ट्राई करती है। लेकिन जब पसीका की मम्मी पूछती है कि तुम किस हक से इसे रोक रही हो, तो बुटी की मम्मी बोलती है इसे काम है, यहाँ पर नहीं जा सकती, बोल के वो ऐसे बोल रही थी। अब हमें ये दिखाया जाता है कि टी तो घर के सामने धरना देके बैठने लग जाता है, मतलब घुटने में बैठता है, जब तक पसीका की मॉम टी को अपना दामाद ऐसे ना कर ले यानी कि पसीका के साथ रहने ना दे, तब तक यहाँ से उठने वाला नहीं था। पहले तो वो बोलते कि ठीक है यहीं पर पड़े रहो, लेकिन पसीका भी टी के साइड पर ही आ जाती है, और दोनों ही वहां पर वेट करते हैं कि जब तक उसकी मॉम ऐसे ना करे तब तक वो लोग वहां से नहीं उठने वाले। और हमें ये दिखाया जाता है कि जो नॉन था, नॉन यानी कि पिन का हस्बैंड, वो अभी मॉम को बहुत आराम से समझाता है और उन्हें बोलता है कि आपको एक चांस देना चाहिए उन दोनों को, क्योंकि कभी मैंने भी ऐसी गलती की थी और आपने मुझे चांस दिया था तो उसे क्यों नहीं, वो पसीका से बहुत प्यार करता है। ये सारी चीजें सुनने के बाद फाइनली टी को पसीका की मॉम एक चांस दे देती है। लेकिन वो बोलती है अगर इस बार मेरी बेटी के साथ कुछ भी हुआ ना, अच्छे से तुमने नहीं रखा, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी अलग से, और मैं अपनी बेटी को पॉल आइलैंड लेके चली जाऊंगी, ऐसा वो बोल के वो उसे वार्न करती है। टी बोलता है मैं आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाला।
अगले सीन में दिखाया जाता है सरिंडा जैसे जैसे सरवाइव करके आ जाती है। से कर सरिंडा आप सबको सच्चाई बताने लग जाते हैं कि इस तरह से सुकबून और थीप थीप यानी कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड थी उसने मिलकर सबको बेवकूफ बनाया। असल में थीप जो सुकबून था उसकी उसकी वाइफ की बहन हुआ करती थी और वो पागल की तरह सुकून को प्यार करती थी। तो उसी ने सारा सीन क्रिएट करवाया था, सब कुछ बता देते हैं। ये सब सुनने के बाद ये लोग शॉक हो गए थे और जो प्रैंक थी यानी कि सरिंडा के असली मम उनका हस्बैंड है सुकून, ये सब कुछ भी सबको पता चल जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर होटल में कुछ ऐसा अफवाह फैल जाता है कि बॉम्ब ऐसे किया हुआ है, जिस बात की वजह से वहां पर भागम भागी स्टार्ट हो गई थी और अभी जो थीप और सुकून भी वहां से भागने वाले होते हैं। ठीक है पापा, और ठीक जाते हैं उनसे बात करने के लिए ताकि ठीक है पापा नहीं चाहते थे कि कोई भी मिले सिख में एक दूसरे के साथ रहे और वो सच बताना चाहते थे कि उसकी वाइफ यानी कि प्रैंक सरिंडा के नाम कभी भी उनसे प्रेग्नेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अब ये दोनों इतना सीधा साधा बात समझने वाले तो नहीं थे और ठीक के पापा को सूट करने की ट्राई करते हैं और पसीका आती है, पसीका आके सिचुएशन को समझने की ट्राई करती है। लेकिन ये लोग पसीका को हॉस्टेज बना के कोर्ट पे बैठाते हैं। तो टी भी जाता है उसके साथ, सो हमें ये दिखाया जाता है कि सेक उन लोगों को पीछा कर रहा होता है और बोर्ड पे जाते जाते पसीका पूछती है कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है। तभी ठीक बोलते कि मैं इसे पागल की तरह प्यार करती हूँ। तो ये सुनने के बाद पसीका हंसते हुए बोलती कि इसका मतलब इसने तुम्हें पूरी लाइफ मेरे को बनाया, तुम अपने खुद की बेटी को मारने वाले थे ना, ऐसा बोल के वो उसे सारा सच बता देते कि कभी भी ठीक है पापा किसी को प्रेग्नेंट किए नहीं थे, सरिंडा सुकून की बेटी है। और जो जब सरिंडा की मम प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसकी खुद की बड़ी बहन थी भी थी जो जिसने ये आइडिया दिया हुआ था कि तुम जाओ उसके साथ सीन क्रिएट करो, एक महीने के बाद ये बोल दो कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो और तुम अपने पति से छुटकारा पा लोगी, ऐसा उसने बोला हुआ था। और उसी के कहने के हिसाब से जो सरिंडा की मम थी उन्होंने ये सब किया हुआ था। सूडा सरिंडा की मम और जो थी उन्होंने मिलकर सब काम करवाया था। और वो बोलती है कि ये लड़की कभी भी तुमसे प्यार नहीं करती, ये बस तुम्हें हासिल करना चाहती है। और हमें ये दिखाया जाता है कि जब सरिंडा उसकी बेटी जाने के बाद सुकून थोड़ा पागल सा हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। लेकिन अभी थीप बोलती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो पाए तो मैं किसी के होने नहीं दूंगी और उसे सूट करने की ट्राई करती है। दोनों में लड़ाई हो जाता है और जो सुकून था उसे गोली लग जाती है। उसे गोली लगने के बाद अभी थीप इतना बौखला गई थी कि वो बोलती है अगर तुम मर रहे तो मुझे भी तुम्हारे साथ मना क्योंकि तुम मुझे अपने से दूर कभी कर नहीं सकती। और वो जो बॉम्ब होता है उसको ऐसे ओपन कर देती है, फसिका आरती तो बोर्ड से जंप लगा लेते हैं और वो दोनों वहीं पर फट गए थे। अब पता नहीं उनका क्या हो गया, अमस्ते और सुकबून तो मारा गया होगा। हमें ये दिखाया जाता है कि जो टी था वो जी से सब लोग फसिका को हॉस्पिटल पे ले आते हैं और अभी फसिका की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और हमें ये दिखाया जाता है कि इतना ज्यादा परेशान था, आती है फसिका की माम और उसे तमाचा लगाती है और वो बोलती है मैंने तुम्हें बोला था मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखो लेकिन तुमसे तो ये भी नहीं हो पाया, बस तुम बड़े बड़े बातें करते हो बोल के उसे वार्न करती है। और उससे बोलती है कि अब तुम ये मत कहना कि पसीका को पॉल आइलैंड पर रहने दो, जैसे मेरी बेटी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी मैं उसे बैंक एक्सेप्ट करूंगी, बोल के वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। पता है कि पसीका का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और टी की तो सिचुएशन बहुत खराब थी क्योंकि एक तो पसीका की माँ ऑलरेडी बोल चुकी थी ओ बेटी को बैंक अप ले जा रही है और ना ही वो पसीका के आसपास उसे रहने दे रही थी। टी इतना ज्यादा परेशान था, इतना ज्यादा रो रहा था, ना तो वो ढंग से खा रहा था ना सो पा रहा था क्योंकि जब ये सोने ट्राई करता था तब उसे यही ख्याल आता था कि पसीका की मां पसीका को लेकर चली गई, यानी कि उसका हाथ पर टीका कभी कुछ हो नहीं सकता है, वो दोनों के साथ रह नहीं सकते और ये उसके लिए एक बुरे सपने की तरह बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था। इस तरीके की मां को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज्यादा ही। हमें दिखा जाता है कुछ वक्त बाद जो पसीका थी उसे होश आ गया, थोड़ी ठीक हो गई थी लेकिन इसके लिए एटलीस्ट 1 महीने तो लग गया था क्योंकि पसीका बहुत देर से टाइल हो गई थी। और हमें ये दिखाया जाता है कि नॉन और मेन भी मॉम को समझाने की ट्राई कर रहे होते लेकिन अभी मॉम बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। नॉन अपनी अपनी वाली मॉम को लेके भी अपनी सासू मॉम को समझाने की ट्राई करवा रहा था। और हमें अब ये दिखाया जाता है कि पसीका ठीक हो गई और उसके बाद टी पसीका की मॉम को समझाने की ट्राई कर रहा था प्लीज आप पसीका को लेके मत जाइए और उसे बोला था मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन पसीका की मॉम बिल्कुल भी रेडी नहीं थी इस बात के लिए। लेकिन इस बार अलग ही चीज होती है, टी की मॉम आती है और उसके बाद वो घुटने में बैठ के बोलती है कि प्लीज
मेरी बेटी से तुम्हारी बेटी को अलग मत करो, क्योंकि मैंने इस टाइम पे रियलाइज किया है मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से कितना प्यार करता है और मैंने इसकी सिचुएशन को देखा है। अगर तुम इसको अपनी बेटी को लेकर जाओगी तो मेरा बेटा यहाँ पर पागल हो जाएगा, मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकती। और तुम्हारी बेटी भी कुछ कुछ होने वाली नहीं है, वो भी मेरे बेटे से बहुत प्यार करती है बोल के और उसे समझाती है और बोलती है मैंने बहुत सारी गलत चीज की है तुम्हारी बेटी के साथ पसीका के साथ, क्योंकि मुझे बहुत गलत थी, मुझे ऐसा ही दिखाया गया था कि चीजें इस तरह से है, शायद मैं सच को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी और पसीका को हमेशा ब्लेम करती रही और आज देखो मैं ही गलत साबित हो गई। पसीका की वजह से मेरी टूटी हुई फैमिली एक हुई है और मैं हमेशा पसीका को ब्लेम करती रही, लेकिन अभी मैंने रियलाइज कर लिया है इस टाइम पे अगर तुम अपनी बेटी को लेकर चले जाओगी तो तुम एक लोगों की नहीं दो की नहीं बल्कि तीन चार लोगों की पूरी लाइफ तबाह करोगी, प्लीज ऐसा मत करो बोल के वो माफी मांग रही थी और बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो मेरे साथ करो लेकिन मेरे बेटी को किसी को मत सुनो बोलती है, टी भी ऐसे घुटने पे था। और ये सब देखने के बाद जो पसीका की मम थी वो थोड़ा पिघल जाती है और बोलती है कि तुम दोनों माँ बेटे बिल्कुल एक ही जैसे हो, और उसके बाद वो बोलते है कि अगर तुम सचिन में अपने दिल से अपनी कमर डाल अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अलग रख के माफी मांग रहे हो तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद फाइनली दोनों ही फैमिली टी और पसीका को पसीका के रिश्ते के लिए मान जाते हैं और टी के लिए तो ये लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था, सब कुछ सही हो गया है तो अब शादी की बात भी कर ही लेते हैं। टी के पापा और पसीका के पापा एक दूसरे को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टी की मॉम थी शादी वाले दिन पे पसीका से अपने सारे बर्ताव के लिए माफी मांगती है, क्योंकि उन्होंने तो हद से ज्यादा गलत चीजें कर दी थी पसीका के साथ और वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी, प्लीज तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो उसे एक बहुत बेस्ट कीमती रिंग देती है जो उसके फैमिली का एक खानदानी रिंग था, पसीका जो देखिए इमोशनल हो जाती है। और उसके बाद अब शादी वाला सीन जहाँ पर टी और पसीका हैप्पीली शादी कर लेते हैं सबके सामने और हमें ये दिखाया जाता है कि जो प्यार था प्यार भी जीव को शादी के लिए प्रपोज करता है और मान जाती है। सो अब ड्रामे के एंड में ये दिखाया जाता है कि टी और पसीका एक दूसरे के साथ ढेर सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, रोमांस कर रहे थे, रोमांस 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 के अलावा कुछ और नहीं दिखाया गया है जो दिखने में काफी ज्यादा क्यूट और प्यारा मोमेंट था। और गाइस यहीं पर तले फाई का ये सीजन खत्म हो गया जो था सीजन टू। सीजन वन में हमें ये दिखाया गया है कि पिन और नॉन यानी कि पसीका की बड़ी बहन और उसकी जीजा की लव स्टोरी थी। अगर आप लोग चाहती हो वो ड्रामा में एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी कि मैंने डायरेक्ट सीजन टू उठाया क्योंकि इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं था स्टोरी, बस वो थोड़ी थोड़ी चीजें थी जो मैंने आप लोगों को स्टोरी के अंदर बताया हुआ है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि मुझे तलेफाई का सीजन वन एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं, अगर चाहती हूँ तो प्लीज कमेंट में जरूर बताओ ताकि मैं इसको इसके सीजन वन को थर्ड चैनल पे स्टार्ट कर पाओ। आपको ड्रामा कैसा लगा वो भी जरूर बताना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।